देखो भाई यहाँ पे लिखा ना, यह रेतस कुंड है, यहाँ पर भोले का नाम लेने से बुलबुले उठते हैं। हाँ भाई क्या सुकून मिला यहाँ पे यार, क्या सुकून मिला। एक बार फिर से भाई व्यू चेकआउट कर लो आप लोग, ये देखो भाई। देखिए ये है अमृत कुंड, इसे कहा जाता है अमृत कुंड। जो भी बाबा पे जल अभिषेक होता है, फिर जो भी होता है वो सब बह के इसमें आता है और यहाँ पे इकट्ठा होता है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हेलो गाइस, कैसे आप लोग सब? बढ़िया, सब मौज। वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। सो गाइस, आज हमारा दूसरा दिन है केदारनाथ में, और आज हम लोग नीचे भी उतर लेंगे दर्शन करने के बाद में। तो आज हम लोग को बाबा के दर्शन करने हैं, और फिर हम लोग को भैरव बाबा के भी दर्शन करने हैं जो कि वहाँ पे हैं, क्योंकि हम लोग कल जा नहीं पाए थे वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। और भाई तबीयत यार दिन पे दिन बिगड़ती चली जा रही है, जितना दिन यहाँ रुक रहे हैं उतनी ज़्यादा भाई तबीयत ख़राब होती जा रही है। उतना जुकाम, उतना सर दर्द, उतना ठंडी लगती जा रही है, और इस वक्त टेम्परेचर भाई -6 डिग्री सेल्सियस है। और हम लोग कल से जल्दी उठे इस बार, क्योंकि भाई आज है मंडे, सोमवार, तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है, इसलिए आज हम लोग बहुत जल्दी उठ के जा रहे हैं। कल हम लोग गए थे मंदिर 7:30 तक, आज हम लोग 6 बजे मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि जल्दी से दर्शन हो जाए और फिर जल्दी से हम लोग भैरवनाथ दर्शन कर लें और फिर हम लोग नीचे के लिए उतर लें, वरना अगर नीचे के लिए हम लोग लेट में उतरेंगे तो अंधेरा हो जाएगा, और फिर अंधेरे में पहाड़ से उतरना थोड़ा सा रिस्की रहता है ना। ऐसे लाइटें लगी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तभी थोड़ा रिस्की रहता है। हम लोग पहुँच चुके मंदिर के पास में, और भाई बहुत भीड़ लगी हुई है लाइन के लिए। भाई मंदिर के सामने भीड़ देखिए, वो देखिए, और भाई कितना सुंदर लग रहा है भाई मंदिर, ये देखिए। तो भाई पता है ये जो मंदिर ना, सुबह से भाई बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भाई पूरा मौसम खुला रहता है और ये पूरी पहाड़ी भाई पीछे दिखती है, इससे भाई बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर लगता है। तो आप देख सकते हैं, और भाई बहुत लंबी भीड़ है, ये देखिए भाई कितनी ही लंबी भीड़ लगी हुई है। चलो भाई जब चलते बाबा दर्शन कर लेते हैं, मम्मी लाइन में लग गई हैं, लाइन में चल के लगते हैं, बोलो हर हर महादेव। तो लाइन में लग चुके हैं मम्मी डैडी भाई, हर महादेव, हर हर महादेव, यहाँ सामने अपने बाबा का मंदिर। तो गाइस हम लोग दर्शन हो चुके हैं, और आज भाई कल से ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने रुद्राभिषेक भी करवाया है और बाबा का पूजा भी हम लोग ने किया है, सबके दर्शन हो गए हैं। ये रहा बाबा का मंदिर, और गाइस देखिए ये है अमृत कुंड, इसे कहा जाता है अमृत कुंड। जो भी बाबा पे जल अभिषेक होता है, फिर जो भी होता है वो सब बह के इसमें आता है और यहाँ पे इकट्ठा होता है। तो आप इसको अपने मतलब बॉटल या फिर किसी चीज़ में भर सकते हैं, और इसे कहते हैं अमृत कुंड। तो चलिए गाइस दर्शन हो चुका है, और कैसा लगता दर्शन करके? ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, बस भगवान साक्षात भगवान ही दिखते हैं। एकदम ऐसा है कि 84 लाख योनियों से आप मुक्त हैं भाई, मतलब आप एकदम आत्मा ना ऐसे काप जाएगी, एकदम सब कुछ एकदम, आप एकदम शांत मन शांत, केवल भोले भोले शिव शिव में रहेगा। जब उनके पास जाते हैं, आप उनको स्पर्श करते हैं, जब उनको छूते हैं भाई, हम लोग पूरा लेट ये देखो कपड़े, बहुत अच्छा दर्शन है डैडी का, अच्छा दर्शन है। चिचला जा जूता, हाँ आँखों से आंसू रुकते ही नहीं है यहाँ, बिल्कुल नहीं। चलो भाई तो हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, जो कि वहाँ पे जैसे चढ़ जाना है। और डैडी बात कर रहे थे इनसे, ब्रह्म कमल का कहाँ मिलता है? ब्रह्म कमल ये वहाँ टॉप में मिलता है, हर जाना कठिन, हाँ तो हर कोई कहाँ जा सकता है बताइए, भूखे पेट जाना पड़ता है, भूखे पेट नंगे पाँव। अच्छा हाँ, जैसे खा के जाएंगे, जूते पहन के जाएंगे तो वो सड़ जाते हैं, उनको भूखे पेट नंगे पाँव जाके लाते हैं पहले घर में। जैसे संडे को ले आए तो मंडे को जो है बाहर ही रखने हैं, पहले उसमें नशा, जैसे नशा लगता है उसमें, जब लेने जाते हैं ना उसकी जो महक होती है उससे नशा लगता है, तो उसके बाद जैसे भगवान को चढ़ाते हैं फिर तब खत्म हो जाता है। अच्छा, तो उसके बाद जो है फिर धूप में भी नहीं सुखाते हैं उनको, काले हो जाते हैं। अच्छा, तो अंदर रख लिए कमरे में, माला बना के सूख जाते हैं। तो ब्रह्म कमल वहाँ टॉप पे मिलता है, चारों तरफ मिलेगा, लेकिन टॉप पे मिलेगा ना, लेकिन अनर हम लोग नहीं जा सकते भाई, हम लोग चढ़ ही नहीं पाएंगे ना वहाँ तक, जाने को क्यों नहीं जाते हैं, जो चढ़ सकता है वो जा सकता है भाई। ये तो और ही ज़्यादा कठिन चढ़ाई है,
ये तो एकदम सीधी है, इसमें तो 10-15 कदम चलते ही हाँफ गए। ले हाँ गए बच्चे, अभी ढिमला गए थे। सो गाइस जहाँ पे हम लोग कल गए थे ना मोदी जी के गुफा में, वो देखो वो रहा गुफा, बहुत भाई एकदम छोटा धुंधला दिख रहा है। वो देखो ये हाँ, अभी हम लोग कहाँ जाना है, वहाँ जाना ऊपर। चलिए गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर पर भी। तो ये रहा भैरव बाबा का मंदिर और केदारनाथ मंदिर वहाँ पे नीचे है, और कहा जाता है कि इनके दर्शन के बिना आपका दर्शन मतलब यात्रा अधूरी होती है, ठीक है ना। तो भैरव बाबा दर्शन जरूर करने चाहिए, पिछली बार हम लोग भाई नहीं कर पाए थे पर इस बार जरूर करके जाएंगे। तो चलो जय हो भैरव बाबा। चलो आइए इधर 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 भी ले आइए, इधर आइए, चलो इधर इधर इस पे इस पे आइए आइए। वो बांटने में बिजी हैं भाई, भाई भाई हट जाइए जा। अरे हाँ चढ़ा रहे हैं, इधर ही हैं, उस पे चढ़ाओ। हाँ चलिए चलिए, रोल बस हो गया, चढ़ा लिए, चलिए हाथ लगाएं। जय नाथ बाबा, जय भैरव बाबा। चलो गाइस भैरव बाबा के दर्शन हो गए हैं, अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा फिर से एडवेंचर करते हैं कुछ। तो चलते हैं भाई वहाँ पे, वहाँ पे जहाँ भाई लोग हैं देख रहे हैं, वहाँ पे चलते हैं। भाई हाँ बहुत सांस फूल रही है। हाँ ये देखो भाई, एक बार बस व्यू चेकआउट करो यार, इस व्यू के लिए ये सब सांस फूलना तो भाई नॉर्मल है, सब दिखा रहे सामने। वो देखो भाई वहाँ पे त्रिशूल बना हुआ है, दिख रहा है, वो देखो त्रिशूल, ये देखो ब्रेक कर लेते हैं। हाँ चलो गाइस आ गया भाई एकदम टॉप पे, मतलब एकदम टॉप पे तो नहीं लेकिन जितना टॉप भाई पॉसिबल है उतना टॉप आ चुके हैं। हर हर महादेव। ये देखो भाई, वो देखो बाबा का मंदिर कहाँ गया, वो रहा। जय जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा, बहुत फोटो वीडियो हो गई यहाँ पे। अब चलते भाई नीचे और भाई उतरते अब सोन प्रयाग के लिए। हाँ भाई क्या सुकून मिला यहाँ पे यार, क्या सुकून मिला। एक बार फिर से भाई व्यू चेकआउट कर लो आप लोग, ये देखो भाई हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो भाई यार इस बार का जो केदारनाथ का ट्रिप रहा है ना, वो पिछले वाले से भी भाई काफ़ी अच्छा था, क्योंकि पिछले वाले में भाई हमने जो जो चीज़ें मिस कर दी थी भाई, इस वाले हमने वो सब पूरा कर लिया, सबके दर्शन भी कर लिए, भैरव बाबा के, आदि शंकराचार्य जी की समाधि के, और फिर बहुत जगह हमने ट्रैक भी किया जैसे मोदी जी के उसमें गुफा में और फिर वहाँ ऊपर। तो अब जल्दी से भाई नीचे उतरते हैं, ठीक है, नीचे उतर के अपने रूम से सब सामान वामान उठाते हैं, फिर नीचे उतरते हैं सोन प्रयाग के लिए, वरना भाई रात हो जाएगी और फिर रात में उतरने में समस्या होती है भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ी इलाका भाई और इतना ऊपर हम लोग हाइट पे हैं तो आप समझ सकते हैं कि भाई प्रॉब्लम होगी हाइट से ज़्यादा जब नीचे आप उतरते हैं, वो भी अंधेरे में। ये देखो हमारे डैडी एकदम गोल बर्फ है, देखिए तो भाई तो हम लोग निकल चुके हैं अपना बैग पैक करके। चलो बोलो हर हर महादेव, हर महादेव। चलो बाबा कृपा करिएगा, दोबारा फिर से बुलाइएगा और हो सके तो इस बार हेलीकॉप्टर से बुला लीजिएगा। दो बार पैदल आ चुके हैं और इस बार हेलीकॉप्टर का जुगाड़ करा दीजिएगा बाबा, हर हर महादेव। आइए गाइस आपको एक और चमत्कारी मंदिर दिखाते केदारनाथ धाम का। तो ये वो मंदिर है, यहाँ पे हर हर महादेव चिल्लाने से पानी में बुलबुले निकलते हैं, सिर्फ हर महादेव चिल्लाने से, मतलब बाबा का नाम लेने से, कुछ भी बोलने से नहीं निकलता है,
जब पापा का नाम लेंगे तभी निकलेगा। देखो भाई यहाँ पे लिखा ना, यह रेतस कुंड है, यहाँ पर भोले का नाम लेने से बुलबुले उठते हैं। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। वो देखिए निकला बुलबुला, हर हर महादेव। ये भाई यहाँ से निकला, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो भाई, तो वाले मंदिर के भी दर्शन हो गए, मैंने आपको करा दिया है और दिखाया कैसे हर हर महादेव या भोले बाबा का नाम लेने से इसमें बुलबुले उठते हैं। सो गाइस फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं केदारनाथ धाम से। बोलो हर हर महादेव, जय श्री शंभू महाराज, जय श्री महाकाल। भाई यहाँ आना बहुत लोग का सपना होता है, हमें पता है भाई, मेरा भी सपना था जो कि दो दो बार पूरा हो चुका है और आगे भी और पूरा होता रहेगा भाई। आगे भी हम लोग यहाँ ज़रूर आएंगे, भोले बाबा बुलाएंगे तो पक्का आएंगे हम लोग, क्योंकि आप यहाँ पे आते नहीं हैं, आपको भोले बाबा के द्वारा बुलाया जाता है। चलो भाई अब जल्दी से नीचे उतरते हैं भाई, दिन ढलने से पहले। वैसे भाई दिन ढल जाएगा हमें पता है, थोड़ा अंधेरा तो हो ही जाएगा, पर ज़्यादा लेट ना हो जाए। आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आइए। सो गाइस हम लोग ले रहे हैं सबसे लंबा शॉर्टकट भाई, जो कि देखो यहाँ पूरा वो घूम घाम के वहाँ जाएगा शॉर्टकट। हाँ, और इससे भाई ये पूरा रास्ता है, जो रास्ता ऐसे गोल गोल घूम घूम के सब बच जाएगा और डायरेक्ट वहाँ जाएगा। चलो आराम से। तो भाई बढ़िया है, लेकिन हाँ थोड़ा रिस्की है, क्योंकि हल्का से फिसलें आप तो देख लिए नीचे क्या है, फिर तो भोले बाबा भी नहीं बचा पाएंगे। कहेंगे कहाँ है मार रहे हो शॉर्टकट भैया, जब शुद्ध रास्ता दिए हम भाई। बड़ा ही खतरनाक शॉर्टकट है ये, सबकी फट रही है। चलिए आराम चलिएगा। हाँ नहीं फट रही है, बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया था, तो अच्छी बात है भाई आपकी। अरे हम भी मजाक कर रहे हैं भाई, हमारी फट रही है। हाँ बिल्कुल भाई, धन्यवाद भाई। भाई ये देखो एकदम भाई, देखो ये चीज़ बहुत गलत है। हाँ ये सब देखो, पन्नी चिप्स विस्क के रैपर पड़े हैं भाई, देखो इधर से बॉटल वॉटल भाई। अगर आप पहाड़ों पे खा भी रहे हो ना तो बैग में रख लो, कहीं डस्टबिन दिखेगा। आप अगर ऐसी जगह जा रहे हैं तो आप भाई डस्टबिन होता है केदारनाथ में भाई, बहुत सारे डस्टबिन है रास्ते में, आप उनमें डाल सकते हैं। हाँ ये हमारे महादेव की भूमि है और महादेव की भूमि से मजाक नहीं, ठीक है ना। अब ऐसे भाई पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों को देवताओं का जगह माना जाता है, जहाँ देवता देव और देवी जहाँ विराजमान करते हैं, समझो ना। और फिर नेचर को क्यों ही गंदा करना है भाई, इतना सुंदर भाई नेचर होता है, इसलिए ये सब मत करो यार। देख रहे हो भाई कितने सारे रैपर भाई। देखो मैं भी रास्ते में खाते हुए आया था, हाँ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बिस्किट, पर मैं जितना भी कचरा था भाई मैं अपने बैग में वापस रख ले रहा था, और जहाँ भी डस्टबिन दिख रहा था मैं वहाँ पर उसको फेंक दे रहा था भाई। सबसे मुश्किल शॉर्टकट, सबसे मुश्किल रास्ता है ये देखो, सबसे मुश्किल है, हल्की सी चूक और आप डायरेक्ट नीचे। आराम डेडी आइएगा, ठीक संभल के देख के, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आइए आइए, हो गया भाई देख के। अब हम सोचे थे केदारनाथ में बर्फबारी देखने को मिलेगा, यहाँ बताओ फिर बारिश होने लगी। बारिश पिछली बार भी बारिश हुई थी, इस बार फिर से बारिश हो रही है। बताओ हम लोग चढ़े थे तो धूप में चढ़े थे, उतर रहे हैं तो बारिश में उतर रहे हैं, तो आए देखो बारिश हो रही है। तो सब लोग चलो, हमको लगा था इसका पैसा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन बर्बाद नहीं गया, कुछ तो यूज़ हुआ इसका। चलो भाई अब रेनकोट पहन लेते हैं जल्दी से। चलो गाइस तो हम लोग काफ़ी हद तक भाई नीचे आ चुके हैं, अब यहाँ से मुश्किल से 3-3.5 किलोमीटर बचा होगा सोनप्रयाग। लगभग 1.5 घंटा लगेगा उतरने में, क्यों 1-1.5 घंटे में के आसपास हम लोग उतर ही आएंगे। और भाई मेरे कानों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है ना कोई कान ऐसे बंद कर रखा है, एकदम कस के दबा रखा है, और दर्द भी बहुत हो रहा है कानों में। तो भाई ये देखिए भाई, पूरा अंधेरा हो चुका है। तो अगर आप केदारनाथ भाई रात में ट्रैवल करते हैं, मतलब ट्रैक करते हैं, उतरना या फिर चढ़ना जो भी है, तो ये देखिए ऐसे लाइट्स लगे रहते हैं यहाँ पे, तो उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन तब भी यार रात में उतना सही नहीं होता है भाई, अगर आप खास करके मंदिर पे दर्शन करने जा रहे हैं तब, क्योंकि भाई नज़ारे देखते हुए जाएंगे ना तभी तो फील आएगा ट्रैक का। के लिए खेद है, जाओ माफ़ किया।
सह लिया कष्ट। चलो गाइस, तो हम लोग केदारनाथ का ट्रैक भाई खत्म होता है यहाँ पे। हम लोग गौरीकुंड पहुँच चुके हैं, बस अब थोड़ा दूर और चल के हम लोग गाड़ी मिल जाएगी, फिर हम लोग भाई जाएंगे सोनप्रयाग भाई, वहाँ पे होटल वोटल लेके स्टे करके भाई। और भाई मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मम्मी की भाई तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रखी है भाई, मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही, एकदम गला कट चुका है भाई अंदर से। तो इसलिए भाई हम यहाँ पे अभी पी रहे हैं सूप, जिससे थोड़ा सा भाई गले को राहत मिले। और भाई सर दर्द, जुखाम, पैर में दर्द, बॉडी पेन, भाई सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए गाइस अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर में सब करिएगा, और भाई सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट या फिर ब्लॉग शूट करने में। चलो बाय बाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय केदारनाथ बाबा की।